अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल एकेडमी। तो आज मैं आपके साथ इस्लामिया की क्लास 11 की न्यू बुक शेयर कर रही हूँ। ये बुक अभी उर्दू में है और इसकी इंशाल्लाह इंग्लिश में भी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे ही बन जाएगी, पीडीएफ रेडी हो जाएगी, स्कैन हो जाएगी इंग्लिश में, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इंग्लिश में भी शेयर कर दूंगी। अभी ये इस वक्त उर्दू में स्कैन आपके लिए कर दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक जो है वो देख सकते हैं पीडीएफ। अब बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। तो ये बुक मुझे तो जो है 320 में मिली है, ठीक है, और ये काफी ज्यादा इसमें चेंजेस भी देखी गई है। ये आगे हमारे पास स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ये क्योंकि नई बुक है तो इसके अंदर ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस्लामिया जो है वो एकदम से पूरी की पूरी चेंज कर दी जाए। काफी सारी चीजें जो बेसिक्स हैं वो तो आपको प्रीवियस बुक जैसी ही लग रही होंगी, लेकिन कुछ जो है इसमें एडिशन भी किया गया है। कुछ चीजें जो ज्यादा लेंदी थी उनको डिटेक्ट किया गया है और कुछ चीजों को ऐड किया गया है। तो स्टार्टिंग में अगर मैं आपके पास इंडेक्स की बात करूँ, कि इंडेक्स किसी भी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर न्यू बुक्स का, क्योंकि अक्सर ये हो रहा है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो जाके सिर्फ 11th क्लास की बुक्स बोल रहे हैं और उनको वो पुरानी वाली बुक्स दे दी जा रही है। तो प्लीज आप लोग इंडेक्स जो है वो टैली किया करें कि ये इंडेक्स न्यू वाली बुक का है या पुरानी वाली बुक का, और फिर ही बाय करें। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चों की कंप्लेंट्स आ रही है वो यही आ रही है कि हमने अभी न्यू बुक बाय की है लेकिन उसका जो इंडेक्स वगैरह है सारी चीजें हैं वो पुरानी है, तो हमें अब एक्सचेंज करानी पड़ेंगी। तो प्लीज आप लोग लेते वक्त ही जो है इस बात को दिमाग में रखें कि इंडेक्स आपका न्यू होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे इंडेक्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कुरान मजीद का तारुफ, वही का मफहूम और सूरतें, इस तरह का ये आपके पास स्टार्टिंग का इंडेक्स है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हदीसें होंगी, उसकी तशरीहें हैं, तो ये भी अलग से एक जो है चैप्टर बना दिया गया है। चैप्टर 3 में आपके पास डिफरेंट छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, फरिश्तों पर ईमान लाना, अकीदे आखरत, इल्हामी किताबों पर ईमान लाना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए चैप्टर पोर्शन 3 के चैप्टर्स, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे है इबादत, तो इसके अंदर नमाज, रोजा, ज़कात, हज के अलग अलग छोटे छोटे जो है वो चैप्टर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे अखलाक व आदाब, तो यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं वो हैं सब्र और इस्तेकामत। काफी ज्यादा पिछली बुक के अंदर काफी ज्यादा छोटे छोटे चैप्टर्स होते थे, एटलीस्ट 10 to 12 होते थे, ठीक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है थोड़े से कम कर दिए गए हैं। तो आप लोग प्लीज ये इंडेक्स देख लें। सब्र और इस्तेकामत, वफ़ो दरगुजर, अदलो इंसाफ, इस्लामी अखुवत, हुकूकुल इबाद, औरतों के हुकूक, मानों का वाहिनी इत्तेहाद, ठीक है। नीचे वाले चैप्टर जो है वो मुझे न्यू एडिशन लग रहे हैं, और जो ये पार्ट 4 पोर्शन 4 बनाया गया है आपके बुक में, ये भी मुझे थोड़ा सा न्यू एडिशन लग रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो चैप्टर्स हमारे पास इस तरह से जो शख्सियात के ऊपर चैप्टर्स हैं वो मुझे लग रहा है अभी ही ऐड किए गए हैं। इससे पहले कोई प्रोमिनेंटली अलग से कोई चैप्टर्स वगैरह इस तरह से नहीं होते थे, तो ये जो शख्सियात है उनके बारे में हमें मालूम होगा, इनकी तालीमात जो है इनके बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। हजरत इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह, इनका चैप्टर जो है आपके पास सिंधी की बुक में भी था, ठीक है, अगर आपको याद हो मैट्रिक में भी आपने इनके बारे में पढ़ा था, और अभी इस्लामिया की बुक क्लास 11 की बुक में भी आपके पास ये मौजूद है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। तो ये 5 शख्सियात के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। बाकी ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये आपके पास आगे कुरान की वर्स, ये कुरान के बारे में पूरा चैप्टर है, ठीक है, ये आप सब देख सकते हैं। तो ये पूरी पीडीएफ इंशाल्लाह मैं आपको लिंक में दे दूंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन प्लीज इंडेक्स चेक करके उसके बाद ही आप बुक बाय करना अगर आप हार्ड कॉपी में ले रहे हो। अदरवाइज मैंने आपकी आसानी के लिए फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, और ये सारी वीडियो इन्फॉर्मेशनल वीडियो होती है और आपके भले के लिए ही होती है, ना प्लीज इनको पूरा देखा करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाए, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।